हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉली ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज जो रेमेडी बनाने जा रहे हैं वो है हमारे बालों को स्मूथ करने के लिए और थोड़ा सा स्ट्रेट भी हो जाएं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत ही ईजी है। आपने करना क्या है, एक ग्लास पानी लें, उसे गैस पर रख दें, उसके अंदर एक चम्मच चावल का आटा डाल दें, उसको 10 मिनट के लिए बॉयल कर लें। वो काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। जब गाढ़ा हो जाएगा उसको किसी भी बाउल में डाल लें, ठंडा कर लें। और उसके अंदर फ्रेंड्स आपने डालना है एक चम्मच दही, ठीक है। 2 चम्मच आप उसके अंदर डाल दें ये जो होता है कोकोनट ऑयल। और फ्रेंड्स इसके अंदर 1 एग डाल दें तोड़ के पूरा। सारी चीज़ों को अच्छे से फेंट लें। फेंटने के बाद आपने अपने बालों में लगा लेना है, पूरे बालों में, जितनी आपके बालों की लेंथ है पूरे बालों में लगा के आपने आधा घंटा एक घंटा छोड़ देना। एक घंटा छोड़ दे तो ज़्यादा बेटर है, एक घंटा छोड़ देना है। उसके बाद आपने बालों में शैम्पू कर लेना है। पहली बार में ही आप इसका रिजल्ट देखकर मुझे बताएं कि आपको कैसा रिजल्ट लगा, आपके बाल एकदम से सिल्की। अगर आप वीक में एक बार कर लेते हो ना अपने घर पे ये, तो आपको बाजार से जाके स्पा कराने की, यानी आपको सैलून पे जाके स्पा कराने की जरूरत तो कभी भी नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही अच्छा आपके बालों को स्ट्रेंथ भी देगा और आपके बालों को स्मूथ भी करेगा और सिल्की शाइनी बहुत ही अच्छे बाल बन जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन पहुंचे और आप इसी से इजी रेमेडी का फायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ईजी रेमेडी के साथ। ओके, बाय, टेक केयर।